नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, इंदौर से वैष्णो देवी कटरा जा रही मालवी एक्सप्रेस हुई घटने का शिकार। एसी कोच के पहिए में लगी भयंकर आग, ट्रेन में बैठे यात्री चिल्लाने लगे, आखिर चलती ट्रेन में आग कैसे लगी, कितने यात्री घायल हुए और यह घटना कब की है, क्या है पूरी घटना, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं इस बड़ी रेल दुर्घटना की बात करूं, तो ये घटना मालवा एक्सप्रेस मऊ इंदौर से वैष्णो देवी कटरा जा रही ट्रेन के साथ हुआ है। जी हाँ, बुधवार सुबह करीब 11 बजे के आसपास ट्रेन मऊ से इंदौर के लिए निकली थी। राजेंद्र नगर के पास ट्रेन के पहिए के ब्रेक चिपक गए और तेज आवाज़ आने पर यात्रियों ने देखा तो एसी कोच के पहियों से चिंगारी निकल रही थी और थोड़ी देर के बाद ही धुआं निकलने लगा। यह धुआं देख ट्रेन में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, जिसके बाद ट्रेन को रव के पास रोका जाता है, पहियों में गैस डाली जाती है, धीरे धीरे ट्रेन को इंदौर स्टेशन के पास लाया जाता है। मिली जानकारी के अनुसार 40 मिनट तक रिपेयरिंग के बाद ट्रेन को फिर से आगे के लिए रवाना कर दिया जाता है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि यह सामान्य बात है, ट्रेन में ब्रेक लगने पर कई बार ब्रेक शू चिपक जाते हैं, जिसके कारण धुआं निकलने लगता है, हल्की चिंगारी भी निकलने लगती है और बदबू भी आने लगती है, लेकिन राजेंद्र नगर के यार्ड में ब्रेक को रिलीज किया गया है। चेक करने के बाद ट्रेन को फिर से रवाना किया जाएगा। मालवा एक्सप्रेस आधे से ज़्यादा मध्य प्रदेश को कवर करती है। आपको बता दें, 20 दिन पहले भी मालवा एक्सप्रेस में ऐसी ही घटना हुई थी। पचामा स्टेशन पर यात्रियों ने चेन पुलिंग कर रेल कर्मचारी को इसकी जानकारी दी थी। 6 महीने पहले भी बेरछा स्टेशन पर मालवा एक्सप्रेस की कपलिंग टूट गई थी, जिसके बाद ट्रेन को 2 घंटे के लिए खड़ी की गई थी। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही थी कि इंदौर में एक बड़ा ट्रेन हादसा होने से टल जाता है, अगर सही समय पर ट्रेन के लोको पायलट इस चीज़ को फॉलो नहीं करते तो एक बड़ा ट्रेन हादसा हो सकता था। अच्छी बात ये रही कि इस हादसे के दौरान सभी यात्री सुरक्षित होते हैं। बाकी इस प्रकार की रेल दुर्घटना के बारे में आपके क्या राय है, नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।